अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम कलेजी बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली हूँ। उसको अच्छे से मैंने वॉश कर ली थी थोड़ा विनीगर और पानी डाल के, तो ये अच्छे से वॉश हो गई है। देखो, आप देख सकते हो कितनी सफ़ेद हो गई है कलेजी मेरी। तो इस तरीके से वॉश करेंगे ना तो अपनी कलेजी में बास भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी तरीके से ये कलेजी का टेस्ट भी आएगा। तो मैंने इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ, तो अभी हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो मैं इधर 4 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। आपकी जितनी भी कलेजी है आप वो हिसाब से इसमें दही डाल सकते हैं। और ये अपनी रेगुलर वाली लाल मिर्ची की कुकी है और उसी के साथ में ये कश्मीरी मिर्ची की कुकी है जो मैंने आधा चम्मच इतना डाल दी हूँ इसमें। उसी के साथ में हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर और उसी के साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम 1 चम्मच भर के। तो ये मेरे घर में मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आज उस तरीके से आपको बता रही हूँ। और उसी के साथ में मैं कूटा हुआ धनिया भी डालूँगी इसके अंदर। तो मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा रोस्ट करके कूट लिया था और उसी के साथ में कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे हम। तो उसको भी मैंने रोस्ट करके कूट लिया था, वो डालेंगे हम। और ये सारा कुछ हम अभी मैरिनेशन करके रख देते हैं अच्छे से। इसको ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मसाला लगा के एक साइड पे हम रख देते हैं। नमक हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, नमक हम लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि अभी डालेंगे ना कलेजी में नमक तो कलेजी हार्ड हो जाती है। और ये चीज़ मुझे मेरी सास ने बताई थी कि कभी भी कलेजी में नमक पहले नहीं डालने का, नहीं तो उससे कलेजी है ना हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए मेरा अच्छे से मसाला इसमें लग गया है। तो अभी मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी, तो तब तक मैं इसका दूसरा मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए तब तक अच्छा ये मैरिनेशन हो जाएगा अपना। तो इधर देखो मैंने ऑयल चढ़ा दी हूँ मसाला बनाने के लिए। तो अभी मैं ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने कुछ 2 चम्मच जितना ऑयल ली हूँ। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, आप चाहो तो आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हो। और मैं सारा जीरा डालूँगी, उसी के साथ में मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक है वो थोड़ा मैं डाल दूँगी। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जूस के सालन में, तो आप लहसुन और अदरक थोड़ा डाल दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और जैसे ही हमारा लहसुन और अदरक हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो मैंने चॉप्ड ऑनियन रखी हूँ वो डालेंगे हम। तो ये हम इसमें डाल देंगे, इसको हम थोड़ा पका लेंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है, फिर हमें इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देन इसके बाद फिर इसके अंदर हम दूसरा मसाला डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कांदे स्टेज पे आ जाएंगे ना तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच उसमें डाली थी और 1.5 चम्मच जितना मैं ये कांदे में डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और ये मैं काफ़ी टाइम से इस तरीके से कलेजी बनाती हूँ, तो मैंने सोची आपके साथ अभी इस तरीके से मैं शेयर करूँ। और ये भी मैंने किसी के पास सीखी थी, कोई किसी ने तो मेरे को सिखाया था जब मैं पकाने का सीख रही थी ना खाना, तभी मेरे को किसने ये इस तरीके से बताया था। तो ये मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो जब भी मैं मेरी नानी के वहाँ रहती थी तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल थे, तो उसमें मैं एक मेरी फ्रेंड के साथ खाना पकाने का सीख रही थी, तो तभी मैंने ये सीखी थी वहाँ पे। तो मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ।
और आप इसके अंदर अदरक लहसुन का तड़का ज़रूर से दीजिए, जो मैंने बघार के पहले अदरक लहसुन डाल के उसको थोड़ा मैंने भून ली थी, और उसको भी चॉप करके डालिए तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है उसका। तो आप लोग उस तरीके से ज़रूर से वो करिए, तो आपको भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा उसका। और प्लीज़ मेरी मसाले पे और उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरे को लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए। तो वैसे जिस तरीके से मैंने मसाले आपको बताए आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कलेजी माशाल्लाह बहुत अच्छी और टेस्टी बनेगी, और आपके घर में सबको बहुत पसंद भी आएगी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको पका लेंगे ऐसा समझो आप। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, जो मैंने चॉप करके बारीक बारीक चॉप करके रख दी हूँ, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पर अभी इसको हम अच्छे से पहले पकने देते हैं। ये देखिए हमारे कांदे और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून गया है, देखिए इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो मैं अभी इसके अंदर ये चॉप टमाटर मैंने ली हूँ वो डाल देंगे हम। तो मैंने दो ही टमाटर ली हूँ, ज़्यादा टमाटर मैंने यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने दही के अंदर मैरिनेशन करी हूँ कलेजी को इसके लिए। तो आप दो ही टमाटर लीजिए, या आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप वो हिसाब से लीजिए। अभी मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक, टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँगी, और अभी इसमें अभी मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, जो भी है मैं बाद में इसमें डालूँगी। अभी इसको ही हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको पका लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो मैं इसको अभी लीड बंद करके थोड़े टाइम पका लेती हूँ। तो देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अभी इसके अंदर में ये जो मैंने मैरिनेशन करके कलेजी रखी थी वो हम डाल देंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर कलेजी डाल दी हूँ। अभी इसको हम स्लो गैस पे अच्छी तरीके से भून के लेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको भून भून के पकाएंगे, और स्लो गैस पे जितना पकेगा उतना ही अच्छे से कलेजी भी अच्छे से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और काफ़ी अच्छा इसके मसाले का भी फ्लेवर आएगा। तो बस अभी स्टेज पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, स्लो गैस पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए हमारी कलेजी भी काफ़ी अच्छी तरीके से भूने जा रही है, तो बीच बीच में हमें इसको हिलाते रहना है अभी। और इसके मैंने इसके अंदर ज़रा भी अभी पानी नहीं डाली हूँ, ये सिर्फ दही का और कलेजी का ही पानी छूट रहा है, तो इसको अभी हम और पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारी कलेजी भी काफ़ी अच्छी तरीके से भून के इसका मसाला भी काफ़ी अच्छा हो गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका मसाला भी हुआ है। कलेजी भी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से पक गई है हमारी, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम। हाँ तो कलेजी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा कोथमीर डाल देंगे, इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर देंगे अभी। ये हमारी कलेजी भी रेडी हो गई है। तो आप लोग भी ज़रूर से इस तरीके से बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आपको कैसी लगी। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा कोयले का भाप दे दूँगी, तो अभी इसको हम थोड़े टाइम ऐसे ही पकने देते हैं, और थोड़ा टाइम इसके अंदर तब तक मैं कोयला गरम कर लेती हूँ। फिर देखिए मैंने इसमें कोयला रख दी हूँ, इसके अंदर थोड़ा सी ऑयल डाल के हम इस पर कोयले की भाप दे देंगे। ये देखिए ग्रेवी
कलेजी रेडी हो गई है अपनी मसाले वाली, तो आई होप आपको इसकी भी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने घर में ज़रूर से बनाइए इस तरीके से। अल्लाह हाफिज़।